हेलो ऑल, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 75 में आ गए। ये नंबर्स आपने जूनियर केजी, सीनियर केजी में सबने सीखे ही होंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे चैप्टर है तो फिर से हमें रिवाइज करना है, राइट। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, ये 10 मैचेस का ये एक बंच है, तो ये कितने नंबर हुए, 10। तो यहाँ पे हमें बॉक्स में 10 नंबर लिखना है, तो 1 0 10 ऐसे, राइट। तो ये पूरा टेबल है वो हमें कंप्लीट करना है। क्या लिखना है, 1 0 10 1 0 10 1 0 10 1 0 10, ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। अब है 10 स्टिक का एक में बंडल है और एक स्टिक अलग से है, तो 10 + 1 = 11। तो ये नंबर कौन सा है, 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11। ऐसे ही ये पूरा बॉक्स है वो आपको अपने हिसाब से ऐसे नंबर्स लिख देने हैं, सिर्फ 1 1 11, राइट। यू कैन डू दिस। देन 10 मैचेस है और 2 एक्स्ट्रा है, मतलब 10 + 2 = 12। कितने आएंगे, 12 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2 12। ये लास्ट लाइन आपके लिए रखती हूँ, आप डन कर लेना, ओके। चलो अब 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 3 13। आगे हमारा जो चैप्टर 2 था उसमें हमने नंबर्स 1 से लेके 9 के लिए सीखे थे, अब हम यहाँ पे 10 से लेके 20 तक सीखेंगे। तो 10 का एक बंच होगा और अलग से जितनी मैचेस होगी उसको हम काउंट करके जो नंबर आएगा वो हम लिखेंगे। तो 10 + 3 तो कितने हुए, 13। तो 1 3 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13। ये लाइन कंप्लीट कर लेना, ओके। 1 10s and 4 1s। देखो हमें आगे भी यहाँ पे भी किया था कि 1s कितने हैं और 10s कितने हैं, तो 1s ये जो रह जाते, 10 का एक ग्रुप बनाया, बाकी जो नंबर्स है वो 1 से लेके 9 तक हो गए, तो उसे हम 1s कहेंगे, राइट। तो 1 10 है और ये जब बाकी जो बच गए वो 1s है, तो ऐसे ही देखो ये 10 का ग्रुप है तो इसको हम 1 10 बोलेंगे। और 4 कितने, 1s कितने हैं, तो कि 1 2 3 and 4 1s है, वो 4 है। 1 4 14 10 + 4 = 14 1 4 14 1 4 14 1 4 14। टेन प्लस फाइव, 10 में 5 ऐड किए तो कितने हो गए, 15। 1 5 15 1 5 15 1 5 15 1 5 15 1 5 15 1 5 15 1 5 15 1 5 15 and 1 5 15। 10 का एक बंडल है और यहाँ पे कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6। तो 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 1 6 16 done 1 10s
एंड सेवन वंस तो क्या होगा 17। अगर मैं आपको ऐसे भी कहूँ, चलो ये सब ऐसे करूंगी कि 1 10 से और 7 1 से, तो ऐसे आपको आंसर आ जाएगा ना, तो क्या होगा उसका आंसर 17 नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 7 17 1 7 17 1 7 17 ऐसे बोल बोल के लिखना है, या ताकि आपको याद रहे, मैं आपके लिए ऐसे बोल रही हूँ। 1 7 17 1 10s and 8 1s 1 2 3 4 5 6 7 and 8 8 1s है, मतलब 8 स्टिक अलग है और ये 10 का एक बंडल है, तो 10 plus 8 is equal to 18। ये कौन सा नंबर आ गया 1 8 18। 17 के बाद कौन सा नंबर आता है 18 नंबर, 1 8 18 1 8 18 1 8 18 1 8 18 1 8 18 1 8 18 चलो टर्न योर पेज। वैसे ही 18 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 1 9 19 1 10s and 19 1s। वैसे ही मैं ऐसे कर दूंगी कि 19s है, मैं ऐसे 19 नंबर लिखूंगी और आपको पूछूंगी कि 19s है तो उसमें कितने 10s आएंगे और कितने 1s आएंगे, तो आपको लिखना है 1 10s and 9 1s ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। 1 9 19 1 9 19 1 9 19 1 9 19 1 9 19 1 9 19 1 9 19 1 9 19 1 9 19 अब यहाँ पे 10 1 10 2 1 10 plus 10 is equal to yes 20। 2 10 का बंच है तो हमें 2 बार काउंट करना है, कोई भी ऐसे 1 10s करके 10 करके नहीं करेगा, क्या करेगा 2 10 हमें काउंट करना होगा, मतलब 10 plus 10 is equal to 20। 2 10 के बंच है राइट, तो क्या होगा नंबर 20 2 0 20 2 10s आ गए। देखो यहाँ पे वंस कोई भी नहीं है क्योंकि ये 0 है वो वंस में नहीं आता है, ओके तो 2 10s ओनली, देर आर नो वंस। 2 0 20 2 0 20 2 0 20 2 0 20 and 2 0 20। ये जो मैंने एक एक लाइन बाकी रखी है वो सब आप कंप्लीट कर लेना, ओके चलो पेज नंबर 79। टिक द राइट द ग्रुप विथ मोर ऑब्जेक्ट्स, ये मोर एंड लेस वाला है, वो हमने आगे भी किया था, मतलब हमें ये सब ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं और उसमें जो ज्यादा है, मोर मतलब उससे ज्यादा, उस पे हमें टिक करना है वो ग्रुप में राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो ये हमारे कितने हैं 14, और ये कितने हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो मोर कितने हुए यस, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 14 है वो ज्यादा है ना, तो ये ग्रुप में राइट करना है 1 2 3 4 1 2 sorry 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये भी कितने हैं 14 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 तो मोर ऑब्जेक्ट्स कौन सा हुआ ये वाला। वैसे ही हम पिक्चर देखेंगे ना उसमें ही पता चल जाता है इतना सारा, देखो यहाँ पे बॉल्स है वो कितने है कम है और यहाँ पे बॉल्स बहुत ज्यादा है, तो मोर ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ ये वाला, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। अब ये मैंगो है ना, इसे हमें काउंट करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेम टू सेम लगती है राइट।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो यहाँ पे मैं 17 नंबर ऐसे लिख दूंगी ताकि हमें ये याद रहे, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 मैंगोज है, तो ये वाला राइट आएगा क्योंकि इसमें ज्यादा है। ओके, तो ये आपको मैं होमवर्क में दे देती हूँ, ज्वाइन इन ऑर्डर, तो डू योर सेल्फ लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट टू डॉट ज्वाइन करना है, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 4, 5 ऐसे आपको डॉट ज्वाइन करने हैं। ओके, तो ये पेज मैं आपके लिए रखती हूँ, तो ये आप कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये मिसिंग नंबर्स करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय। एंड हमने आज क्या सीखा, तो के 10 से लेके 20 तक के नंबर्स। ओके, तो ये जो मैंने खाली बॉक्स रखे हैं वो आप फिल कर लेना, और मेरे साथ ये इतनी एक्टिविटी आप बुक में डन कर लेना। ओके, चलो बाय बाय।